हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ जिस मेथड को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ही जल्दी ऑनलाइन अर्निंग करने लग जाओगे। हो सकता है आपकी ऑनलाइन अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो आपकी ऑफलाइन अर्निंग से, राइट? तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रोज 6 घंटे काम करना हो या 8 घंटे काम करना हो। आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम काम करके छोड़ देना है, उसके बाद जो है चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। अगर आपका ब्लॉग अच्छे से रैंक करने लग गया, अगर आपका SEO अच्छा रहा, अगर आपका इंटरफेस अच्छा रहा एंड ट्रैफिक बेसिकली आपके ब्लॉग के ऊपर आने लग गया, तो फिर आपको सोते सोते भी कमाई जो है इस पर्टिकुलर मेथड से हो सकती है। तो अगेन एक बहुत ही यूनिक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं आपको एक टूल वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूँ। हम यहाँ पे वन टूल वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं, साथ ही आप चाहे तो मल्टी टूल वेबसाइट भी बना सकते हैं सेम मेथड से। उसके लिए भी कई वीडियोज मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, आप उन सभी वीडियोज को चेक करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे कब कैसे कहाँ क्या करना है, राइट? तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे वीडियोज पहले से वॉच करते हो तो वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब देखिए ये सब कुछ हम करने वाले हैं ChatGPT की मदद से, राइट? ChatGPT के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो कोडिंग हमें बना के देगा वो ChatGPT ही देगा। हालांकि जो लोग ChatGPT से कोडिंग नहीं करवा सकते उनके लिए मैंने इस वेबसाइट के ऊपर कोडिंग ऑलरेडी डाल रखी है। आप देखिए talentwisefree.blogspot.com के ऊपर आपको फ्री टूल स्क्रिप्ट, फ्री ईबुक, एक्सेल टेम्पलेट, ग्राफिक्स, PPT टेम्पलेट, ये सभी कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए OPML टू JSON कन्वर्टर टूल मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ जहाँ पे आप OPML जो है डालोगे इनपुट एंड जो आउटपुट निकलेगा वो JSON होगा। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टूल है जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर हो, राइट? जिस तरह HTML है उसी तरह OPML है, आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स जो है बिलोंग करते हैं, और मैं यहाँ पे ये टूल आपको वेबसाइट के ऊपर डाल के बताऊंगा। आप जो है इसी टाइप के दूसरे टूल यहाँ पे डाल सकते हैं लाइक HTML टू JSON एंड और भी कई सारे टूल जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ChatGPT से इस प्रोसेस को कैसे करना है उसके लिए आपको आना है ChatGPT के ऊपर। अब देखिए ChatGPT कैसे ओपन करना है, आई थिंक आप सबको पता है बेसिक चीजें है। Gmail से लॉग इन करना है आपको, सिंपली ये इंटरफेस आएगा आपके सामने एंड यहाँ पे आप चाहे तो इसका प्रो वर्जन ले सकते हैं, बट मैं जनरली फ्री यूज करता हूँ और आपको भी फ्री यूज करना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे मैंने टाइप किया है राइट ए कंप्लीट रेस्पॉन्सिव कोड ऑफ OPML टू JSON कन्वर्टर इन HTML विथ JavaScript। सो जैसे ही हम ये कमांड देंगे ChatGPT को, ChatGPT हमारे लिए रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगा और देखते ही देखते कोडिंग जो है हमारे लिए ChatGPT तैयार करके दे देगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ChatGPT हमारे लिए कोडिंग को तैयार कर रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हमारी आंखों के सामने ये कोडिंग बन रही है। अब देखिए इसी कोडिंग को करवाने के लिए अगर आप कोई डेवलपर हायर करते तो वो अच्छा खासा पैसा आपसे चार्ज कर चुका होता, लेकिन ChatGPT के केस में ये चीजें आप जो है फ्री में करवा सकते हो, राइट? अब देखिए यहाँ पे आपको दो आउटपुट मिले, एक तो ये PHP फॉर्मेट में जो कि आपको वर्केबल होगा ही, ये देखिए आपको यहाँ पे JavaScript भी मिल रहा है, राइट? तो अब देखिए अब काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि कौन सा हम डालें, क्या दोनों को साथ में डालें। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप इन झंझट में पढ़ो ही नहीं और सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आओ एंड इस लिंक पे आते ही आपको पहले ही मिल जाएगा OPML टू JSON कन्वर्टर टूल। एंड अगर नहीं मिलता है तो फ्री टूल स्क्रिप्ट का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जितने भी टूल मैंने अपलोड करके रखे, जितने भी टूल की स्क्रिप्ट मैंने अपलोड करके रखी है वो सभी आपको मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पे लेवल में भी आपको फ्री टूल स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप पर्टिकुलर नेम डाल के भी इसको चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि OPML होता क्या है, JSON क्या होता है। सो सारी चीजें ये आपको बताई जाएगी
एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल देखने को मिलेगी जिसमें पूरी की पूरी स्क्रिप्ट होगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको वो पीडीएफ फाइल बता के ब्लॉग बनाना सिखा देता हूँ। देखिए पीडीएफ हमारे सामने आ चुकी है और ये पूरी कोडिंग है जिसको इजीली आप जो है डाउनलोड एंड कॉपी दोनों कर सकते हो। सो अब बनाते हैं हमारे लिए एक वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए आप जो है ब्लॉगर का यूज कर सकते हो, वर्डप्रेस का कर सकते हो, बट वर्डप्रेस में जाओगे आपको डोमेन होस्टिंग बाय करना होगा। अगर आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो, घर पे बैठे हो कमाई करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए ट्राई कर रहे हो और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ब्लॉगर, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लॉगर में बने हुए ब्लॉग रैंक नहीं करते, ऑफकोर्स रैंक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है, ये इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे साइन इन या फिर क्रिएट योर ब्लॉग, इनमें से किसी एक पे आपको क्लिक करना है। दोनों ही कंडीशन में ये आपको अपने सिस्टम के उस पेज पे लेके जाएगा जहां पे आपके सारे जीमेल अकाउंट स्टोर होंगे। तो सारे जीमेल अकाउंट में से आप किसी एक जीमेल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा जहां पे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सेलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग के लिए एक नेम सेलेक्ट कर लेता हूं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये नेम हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेम में यही नेम यूआरएल के तौर पे यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन इस बार स्पेसेज आपको हटा देने हैं। सो यहाँ पे opml2jsonconverter.blogspot.com ये हमारी वेबसाइट का नेम होने वाला है। सो हमने सेव किया, हमारी वेबसाइट बन चुकी है, हमारा ब्लॉग बन चुका है। अब देखिए कुछ बेसिक सेटिंग है जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, लाइक पेजेज आपको सारे बना लेने हैं, थीम आपको कोई भी अच्छा यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। लाइक मैं यहाँ पे ये थीम आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करेंगे थीम अप्लाई हो जाएगा। सेटिंग में देखिए आपको डिस्क्रिप्शन डालना है सबसे पहले तो, एंड ब्लॉग की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आपको जो है नॉर्मल इंग्लिश के अंदर सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि अभी डिफॉल्ट इंग्लिश जो है यूके की सिलेक्ट होगी, उसको जो है नॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑप्शन है आपको कभी भी डिसेबल नहीं होने देना है, गलती से भी ये डिसेबल हो गया तो फिर आपके मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। देखिए कमेंट मॉडरेशन का ऑप्शन है, इसको आप ऑलवेज पे करके सेव कर दीजिएगा। अब देखिए कोई भी आपके ब्लॉग के ऊपर कोई कमेंट करेगा तो पहले आपके पास वो पेंडिंग में आएगा एंड उसके बाद लोगों को शो होगा जब आप उसको ओके कर दोगे, राइट। टाइम जोन आप लॉस एंजेलिस का ही सिलेक्ट रखिए ताकि वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट चीज मेटा टैग आपको इनेबल कर देना है एंड यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में टैग आपको लगा देने हैं। नेक्स्ट चीज आप क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग इन दोनों को भी यहाँ से इनेबल करिए और अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर वन क्लिक में एड कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप पोस्ट डालने के लिए रेडी है। सो हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस आया हमारे सामने जहाँ पे हमें टाइटल, लेबल, परमालिंक, सर्च डिस्क्रिप्शन सारी चीजें सेटअप करनी है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। सो टाइटल हमारा ये रहने वाला है OPML टू JSON कन्वर्टर टूल। यहाँ पे मैं टूल्स नेम से एक लेबल डाल देता हूँ, परमालिंक में जो हमारा टाइटल है उसी को कस्टम परमालिंक के अंदर हमें क्लिक करना है कुछ इस टाइप से, एंड जो स्पेसेज है उनको यहाँ से हटा के बीच में जो है आपको यहाँ पे डैश लगा देना है कुछ इस टाइप से, राइट। ये इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने टैग भी लगा देने हैं। टैग लगाने के बाद अब यहाँ पे आप रेडी हो कोडिंग को पेस्ट करने के लिए। ध्यान रखिए टाइटल के नीचे ये जो ऑप्शन है इसको HTML व्यू में यहाँ पे डालना है, राइट। कोडिंग हमेशा HTML व्यू के अंदर पेस्ट की जाती है। सो यहाँ पे आप देखिए इस कोडिंग को आप वेबसाइट से कॉपी कर सकते हो, आप चाहे तो ChatGPT से भी बनवा सकते हो। वेबसाइट से करेंगे ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, वन क्लिक में हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको Ctrl+C के साथ कॉपी करके यहाँ पे आया एंड यहाँ पे इस कोडिंग को मैंने ऐसे के ऐसे पेस्ट कर दिया। अब कोडिंग पेस्ट हो चुकी है, अब इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ क्योंकि टूल को आपको यूज करके भी तो बताना है। सो देखिए हमारा जो टूल है वो बन के रेडी हो चुका है। चलिए हमारी वेबसाइट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे आपने कोडिंग कॉपी की थी। अब देखिए यहाँ पे हमारा ब्लॉग कैसा दिखता है, व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते ही ये आप देखिए ये ब्लॉग कुछ इस टाइप से शो हो रहा है।
OPML टू JSON कन्वर्टर टूल पे हम क्लिक करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा जो टूल है वो यहाँ पे आ चुका है कुछ इस टाइप से। राइट, अब देखिए इसका इंटरफेस कुछ यहाँ पे अच्छा शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना है थीम सेगमेंट में, इस पे क्लिक करना है एंड यहां पे आपको जो है एडिट HTML का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके ऊपर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑप्शन है आप सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे भी आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा एंड बैकअप का जो ऑप्शन है उस पर भी ये थीम जो है यहाँ पे बेसिकली इस थीम को लेकर कुछ सही से सेटिंग अवेलेबल नहीं है जिससे हम इसको चेंज कर पाए। बट चलिए कोई और थीम हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं क्योंकि इस इंटरफेस के साथ तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ये चीज क्लियर है। सो चलिए मैंने यहाँ पे दूसरी थीम जो है अप्लाई कर दी है, अब देखते हैं कि ये जो है सही से इंटरफेस इसका सही से बन पाया है या नहीं, क्योंकि देखिए जब इंटरफेस सही से नहीं बनेगा तो चीजें सही से वर्कआउट नहीं होगी। अब देखिए एकदम सही लग रहा है, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो कुछ भी मींस OPML कंटेंट एंड उसको JSON के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो OPML कंटेंट हम लाएंगे कहां से, चलिए ChatGPT से ही एक लिखवा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। राइट ए एग्जाम्पल ऑफ OPML फाइल। तो यहां पे आप देखिए ये हमारे लिए एक OPML फाइल जो है तैयार कर देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से OPML फाइल जो है यहाँ पे तैयार हो रही है। उसके बाद हम इसको कॉपी करके यहाँ पे चेंज करके बताएंगे। सो चलिए इसको कॉपी कोड पे क्लिक करके मैं कॉपी कर देता हूं एंड यहाँ पे आते हैं अपनी टूल के ऊपर, इस टूल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपको जो है कन्वर्ट होके ये डेटा मिल चुका है। आई थिंक आपको ये चीज इजीली समझ में आ चुकी है। अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप जो है यहां से दोबारा कोई OPML फाइल लिखवा के ये चीज अगेन रीटेस्ट कर सकते हैं। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं एकदम क्लियर है, 100% वर्किंग है और इससे जो है बढ़िया टूल बना बनाया आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। और ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए हजारों रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। राइट, तो ये चीज अगर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं तो आई थिंक आपको इस चीज की कदर करनी चाहिए एंड चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। 100% रेस्पॉन्सिव टूल है, आई होप की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा एंड इस टूल के थ्रू आप जो है आने वाले समय में ऑनलाइन अर्निंग कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।